मल्टीप्लेक्सर की जो ब्लॉक लेवल स्कीमेटिक है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि एक सिस्टम है जिसकी दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, ए जो है वो उसकी पिन नंबर 0, इनपुट नंबर 0 है, और बी इनपुट नंबर 1 है, और इस सिस्टम की जो आउटपुट है दैट इज वाई, और इसके अलावा एक इनपुट और है दैट इज एस। ये सर्किट करता क्या है कि अगर एस 0 है तो वाई के ऊपर इनपुट नंबर 0 दैट इज ए अपीयर हो जाएगी, अदरवाइज S1 होगा, तो उस केस में वाई के ऊपर इनपुट नंबर 1 दैट इज बी अपीयर हो जाएगी। रिपीट कर दे आपने क्या कहा जरा। दिस इज द 2x1 मल्टीप्लेक्सर, इसको इन शॉर्ट मक्स भी कहते हैं, इट इज अ मक्स। दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, दो मेन इनपुट्स हैं, एक सेलेक्ट लाइन है, अगर सेलेक्ट लाइन 0 है तो वाई के ऊपर इनपुट ए अपीयर हो जाएगी, यानी कि ए जो है वो इंटरनली कनेक्ट हो जाएगी विद वाई अगर एस की वैल्यू 0 है। अगर एस की वैल्यू 1 है तो बी जो है वो वाई पर अपीयर हो जाएगी। तो कभी वाई के ऊपर ए इनपुट अपीयर हो रही होगी, कभी वाई के ऊपर इनपुट बी अपीयर हो रही होगी, डिपेंडिंग ऑन द सेलेक्ट लाइन। सर देखा जाए तो एस कंट्रोलर नहीं होगा जो कंट्रोल कर रहा होगा कि कौन आएगा वाई पे। हाँ वो कंट्रोलर कोई होगा, लेकिन जो ये जो मक्स है वो यही है, कोई डिसाइड करेगा, कोई कंट्रोलर होगा, वो डिसाइड करेगा कि कभी कब ए को वाई पर भेजना है, कब बी को भेजना है, वो सेलेक्ट लाइन को वो सेलेक्ट कर रहा होगा, लेकिन हमने ये बनाना है, ये बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है, एंड दिस बिल्डिंग ब्लॉक इज मक्स। दो इनपुट्स हैं एक आउटपुट है, तो इसका साइज जो होगा वो 2x1 होगा। मल्टीप्लेक्सर की हमेशा जो आउटपुट है वो 1 होगी, तो 2x1 हो सकता है, 4x1 हो सकता है, 8x1 हो सकता है, एंड सो ऑन। इनपुट हमेशा 2's पावर में होगी। अगर 2x1 मक्स है तो सेलेक्ट लाइन 1 है, 4x1 है तो सेलेक्ट लाइंस 2 चाहिए होंगी, क्योंकि 2's पावर 2 इज 4, तो इन नंबर ऑफ इनपुट्स हमेशा 2's पावर में होंगे, 2's पावर n से, और n जो है वो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस होंगी। अगर मैं कहता हूं कि 16x1 का मक्स है, तो इसका मतलब ये है कि 16 इनपुट लाइंस हैं और हर लाइन को सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास 4 सेलेक्ट लाइंस हैं। समझ आए मक्स के, मक्स का बिहेवियर कैसा है, कितनी इनपुट्स हैं, कितनी आउटपुट्स जी हैं। सर एप्लीकेशन इसकी यह है लेटर आ कि गया। मल्टीपल सब सिस्टम से अगर आपने डाटा ट्रांसफर करना है किसी सिस्टम को तो आप कर सकते हैं, यानी कि दो सब सिस्टम है ए एंड बी, और एक सब सिस्टम है वाई, कभी वाई को ए से डाटा चाहिए, कभी बी से चाहिए, तो इन दोनों के दरमियान हम स्विच कर सकते हैं यूजिंग सेलेक्ट लाइन। तो डिजिटल सिस्टम में बहुत कॉमन है इसका यूज। अब हमने इसको डिजाइन करना है, हम 2x1 मक्स को डिजाइन करने जा रहे हैं यूजिंग कम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन फ्लो। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि अगर नंबर ऑफ इनपुट्स अप टू 6 हैं तो फिर हम कम्बिनेशनल डिजाइन फ्लो को फॉलो करते हैं, अगर उससे ज्यादा हो जाएं तो फिर हम कम्बिनेशनल डिजाइन फ्लो फॉलो नहीं करते, फिर कोई अल्टरनेटिव वे देखते हैं, कोई बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, उनको आपस में फिर कनेक्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं चूंकि इसकी इनपुट्स 3 है, 2's पावर 3 इज 8, तो 8 कम्बिनेशंस मुझे बनाने होंगे ट्रुथ टेबल में। तो पहला स्टेप यह है कि हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, एस ए बी 3 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है दैट इज वाई, कम्बिनेशन 0 0 0
0 0 1 1 0 and 0 1 1, then 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. Okay, इसके बिहेवियर को देखें कि अगर सेलेक्ट लाइन 0 है तो जो भी लाइन ए पर इनपुट होगी वो आउटपुट पे आ जाएगी. तो यहां पर देखता हूं मैं कि जब सेलेक्ट लाइन 0 है, ये चार कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं. इन चार कॉम्बिनेशंस के लिए जब सेलेक्ट लाइन 0 है तो जो ए होगा वही वाई होगा, यानी कि ए वाई पे अपीयर हो जाएगा. तो ए क्या है? दिस 0 सर. और ये पूरा कॉलम वाई बन जाएगा, यानी कि आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा क्या? 0 0 1 1. ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर. और जब जब y1 होगा, s1 होगा, तो आउटपुट कॉलम 0 1 0 1 b जो है 0 1 0 1 जी, ये आउटपुट पे आ जाएगा. दैट इज 0 1 0 1. ओके, पहला स्टेप हो गया, ट्रुथ टेबल बन गया. अब डायरेक्टली मैं इसे मैप कर लेता हूँ आउटपुट कॉलम को के मैप में. मैप करने के बाद मैं यहाँ से बिल्कुल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करूँगा. तो 3-bit के मैप है, 3 वेरिएबल्स का के मैप है. तो एस बार एस, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार. 0 0 1 1 0 0 1 1 and 0 1 0 1 0 1 0 1. ओके, अब मुझे ग्रुपिंग करनी है इसकी. एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया. तमाम वंस कवर हो गए, फर्दर ग्रुप नहीं बन सकते. तो एक्सप्रेशन होगी जी, ग्रीन के लिए क्या होगी? एस बार ए ए प्लस रेड ग्रुप के लिए एस बी. सर एक चीज पूछनी थी, है प्लानिंग, लेकिन अब पूछ रहा हूँ. सर अगर एक दफा एक एलिमेंट एक ग्रुप में आ जाए तो दूसरे ग्रुप में नहीं आ सकता? आ सकता है, शेयरिंग हो सकती है. तो फिर ये जो ए बी का ये वाला ग्रुप क्यों नहीं बन सकता 1 1 का? इसलिए नहीं बन सकता कि जो नया ग्रुप बनाऊंगा उसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे ग्रुप्स के साथ शेयर्ड होंगे. तो एक अगर ऐसा वन हो जो किसी ग्रुप में ना आया हो तो उसके साथ शेयरिंग हो सकती है? हाँ, सिर्फ उसके साथ हो सकती है. ओके, ये एक्सप्रेशन आगे इसका सर्किट बनाएंगे तो मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा. लेकिन इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करें तो देखें कि एस बार का मतलब है जब एस जीरो होगा तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, 0 into b, प्लस एस बार से 0 1 हो जाएगा, 1 into a. व्हेन एस इज इक्वल टू 0 तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी a. और जब s 1 होगा तो 1 के ऊपर बार होने से वो 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू ए सर बी आ जाएगा, प्लस 1 इंटू बी विच इज इक्वल टू बी. अब एक्सप्रेशन से हमें नजर आ रहा है कि s जब 0 होगा तो आउटपुट के ऊपर a आएगा, और जब s 1 होगा तो आउटपुट के ऊपर हमें b मिलेगा. तो अब हम इसका सर्किट डिजाइन कर लेते हैं. एक्सप्रेशन है, दोबारा लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू एस बार ए प्लस एस बी.
एस बार ए, दिस इज एस ए बी, एस बार यहाँ से ले लेते हैं और ए एंड प्लस एस बी बार, एस एंड बी बार। सर बी बार नहीं है, बी है। हाँ बी है, मैंने बी से लिया है। ओके आपने बी बार ली है, इट इज बी। ओके इसे रन ड्राई रन करना चाहते हैं, ड्राई रन करके देख लें। जब एस जीरो होगा आउटपुट पे ए आएगा और जब एस वन होगा आउटपुट पे बी मिलेगा। तो ये तो गेट लेवल स्कीमेटिक हो गई, दिस इज ब्लॉक लेवल स्कीमेटिक जिसमें ब्लॉक डायग्राम है, और दिस इज गेट लेवल स्कीमेटिक, गेट लेवल पे मैंने ड्रॉप की है। तो ये मल्टीप्लेक्सर हो गया। यहाँ तक प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज जो क्लियर ना हुई हो? नो सर। ओके अब हम बात करते हैं इसका साइज बड़ा करने की, कि मुझे 4x1 मग्स डिजाइन करना है। 4x1 का मतलब है कि 4 इनपुट्स I0, I1, I2 एंड I3, एक आउटपुट Y एंड टू सेलेक्ट लाइंस S0 एंड S1। तो ये हो जाएगा 4x1 का मक्स, और लाइन बनेगी 0, 1, 2, 3, यानी कि मैं जो भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन दूंगा वो लाइन आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। मैं 0, 0 दूंगा अगर इनपुट इंक्रीज होगी तो, अगर नंबर ऑफ इनपुट्स इंक्रीज हो रही हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए सिलेक्ट लाइंस भी तो इंक्रीज होंगी ना। अगर इनपुट लाइंस 4 हैं तो इसका मतलब है मुझे हर लाइन को एड्रेस करने के लिए दो सिलेक्ट लाइंस चाहिए। 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। यस सर, ठीक है। और एक लाइन दो इनपुट कंट्रोल करेगी देखा जाए तो। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन में देता हूँ 0, 0 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 0 लाइन आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब जैसा कि हमने इधर देखा है, मैंने ये एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। यहाँ पर चूंकि दो इनपुट्स हैं तो एक दो कॉम्बिनेशन बहुत होंगे, तो दो कॉम्बिनेशन एक सेलेक्ट लाइन से एक वेरिएबल से क्रिएट हो सकते हैं। अगर 4 इनपुट्स होंगी तो फिर मुझे 4 कॉम्बिनेशन चाहिए, और 4 कॉम्बिनेशन दो वेरिएबल से ही जनरेट होते हैं। तो यहां पर चूंकि 4 इनपुट लाइंस हैं तो मुझे 4 कॉम्बिनेशंस चाहिए होंगे, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। 0, 0 सेलेक्ट कर देगा लाइन 0 को, 0, 1 कर देगा लाइन नंबर 1 को, 1, 0 कर देगा 2 को एंड 1, 1 कर देगा 3 को। एक्चुअली उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है ये, जो कि ये लिखा हुआ है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगर मैं कॉम्बिनेशन डिजाइन फ्लो को फॉलो करके ये मक्स डिजाइन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। 4 इनपुट लाइंस हैं, 2 सेलेक्ट लाइंस हैं, टोटल 6 वेरिएबल्स बन रहे हैं, तो 2 पावर 6 इज 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे, हम डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि हमने जो के मैप है वो अप टू 4 वेरिएबल्स ही पढ़ना था, और हमने 4 वेरिएबल्स तक ही पढ़ा है, 6 वेरिएबल्स तक नहीं पढ़ा, तो हम ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे इस सर्किट को। एक रीज़न तो ये है। दूसरा ये है कि हमें इससे भी बड़ा बनाना पड़ जाए तो फिर तो हम कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन फ्लो तो फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे 8x1, 16x1, 32x1, 64, 128, 256x1 कोई लिमिट नहीं है, पर लिमिट कोई नहीं है, मैं कोई भी साइज बनाना पड़ जाए तो बना सकता हूँ। अब मुझे करना यह है कि जो मैंने ब्लॉक बनाया है 2x1 का, इसको यूज करते हुए 4x1 का मक्स बनाना है। इस ब्लॉक को यूज करते हुए 2x1 का जो ब्लॉक है इसको यूज करते हुए मुझे बड़ा मक्स बनाना है 4x1 का।
बना सकता हूँ। ओके ट्राई करते हैं। 2x1 के बने कितने चाहिए होंगे? सर दो इनपुट होंगे, एक एस होगा। हाँ दो इनपुट हुए, एक एस हो गया, ठीक। और एक और ब्लॉक ले लेता हूँ। से के एक 2x1 का मक्स एक आईसी के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, और आपके पास 2x1 के बहुत सारे आईसीज पड़े हुए हैं, 4x1 का आईसी नहीं पड़ा हुआ। तो क्या आप 2x1 के आईसीज को आपस में ज्वाइन करके 4x1 का बना सकते हैं? जी सर बना सकते हैं, अभी आप बताएं तो कैसे बनेगा। बना सकते हैं, पॉसिबल है जी। तो ओके दो ब्लॉक्स हैं, दोनों की एक एक सेलेक्ट लाइन है। अब मुझे ये देखना है कि 4x1 में कितनी सेलेक्ट लाइंस हैं? दो, S0 एंड S1, S0 और S1, दो ही सेलेक्ट लाइंस हैं ना? यस सर। और हर ब्लॉक को कितनी चाहिए? एक। यस ओके तो मैं करता ये हूं कि मैं जो S1 और S0 में से, ये पॉइंट समझना है आपने, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, ये कनेक्ट कर देता हूं दोनों के साथ। एक ही चाहिए थी तो मैंने लीस्ट सिग्निफिकेंट, अगर दो चाहिए होती तो लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स में कर देता अटैच, 3 चाहिए होती तो 3 अटैच कर देता। क्लियर। अब ये जो रिमेनिंग 1 बच गई है ना, ये यूज होगी ब्लॉक को सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सा ब्लॉक है। इसके दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, S1 बार या S1। जब S1 बार है, यहां देखें, तो कौन सा ब्लॉक सिलेक्ट हो रहा है? यहाँ पे मैं इनपुट भी अटैच कर देता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा जी। जब S1 की वैल्यू 0 है तो कौन सा ब्लॉक सेलेक्ट होना चाहिए? फर्स्ट ब्लॉक सर। फर्स्ट ब्लॉक। और जब S1 की वैल्यू 1 हो तो फिर सेलेक्ट होना चाहिए दूसरा ब्लॉक। इस कैस्केडिंग को करने के लिए, ये जो मतलब मैंने कैस्केडिंग की है, इसको एनेबल करने के लिए हमारे पास एक लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड एनेबल लाइन। ये आपको आईसी के अंदर मिल जाएगी, और जब आईसी की डाटा शीट देखेंगे वहां पे एनेबल लाइन लिखी होगी, एक पिन होगी एनेबल की। ओके अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जब S1 0 हो तो ये वाला जो ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक नंबर 1, ये एनेबल हो जाए, और जब S1 की वैल्यू 1 हो तो ब्लॉक नंबर 2 एनेबल हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, S1 को इन्वर्ट करके 1st ब्लॉक की एनेबल लाइन पर दे देता हूं, और बगैर इन्वर्ट किए दूसरे ब्लॉक की एनेबल लाइन के साथ कनेक्ट कर देता हूं। अच्छा मैंने इन्वर्ट क्यों किया है, S1 के कॉम्बिनेशन बनाए तो यही दो बनते हैं ना, S-bar एंड S1। Yes, S-bar पहला कॉम्बिनेशन पहले ब्लॉक के साथ अटैच होगा, दूसरा कॉम्बिनेशन का सर्किट दूसरे ब्लॉक के साथ अटैच होगा। तो पहले कॉम्बिनेशन का सर्किट क्या बन रहा था, S1 bar, bar means इन्वर्टर, नॉट गेट। तो मैंने नॉट गेट लगाकर पहले ब्लॉक की इनेबल लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया। दूसरा कॉम्बिनेशन है S1, S1 means एज इट इज कनेक्ट होगी इनपुट, तो मैंने इनपुट को सिलेक्ट लाइन को एज इट इज एनेबल लाइन के साथ कनेक्ट कर दी। कनेक्शंस हो गए, अब देखते हैं आउटपुट के साथ क्या करना है।
एनेबल लाइन जब वन होगी तो ही इनपुट आउटपुट के ऊपर अपीयर होगा, अदरवाइज इस आईसी की आउटपुट हमेशा जीरो रहेगी। अगर एनेबल लाइन जीरो है इसका मतलब है कि आउटपुट जीरो आएगी। ओके, दोनों आउटपुट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए और गेट यूज होगा। ये दोनों ब्लॉक कनेक्ट हो गए थ्रू और गेट एंड दिस इज आवर फाइनल आउटपुट, दैट इज वाई। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके, मैं कॉम्बिनेशन देता हूं 01। 01 का मतलब है कि आउटपुट पे I1 आना चाहिए। देखते हैं I1 आउटपुट पे आ रहा है या नहीं। 01 दिया, 01 यानी कि दिस इज 0 एंड दिस इज 1। ये 1 नो, इट्स 01 नॉट 10। ओके, 01 ये 0 इन्वर्टर से इन्वर्ट होके 1 बन गया और यहां पहुंच गया 1, तो ये ब्लॉक एनेबल हो गया। और ये 0 इस एनेबल लाइन पे गया तो ये ब्लॉक डिसेबल हो गया, तो इसकी आउटपुट तो 0 हो गई। अब इसकी आउटपुट डिपेंड करता है कि इनपुट लाइन क्या है। S01 है तो 1 ने सेलेक्ट कर दिया इस ब्लॉक को, इस इनपुट को। S1 है तो उसने इनपुट नंबर 1 को सेलेक्ट कर दिया और I1 यहां पर अपीयर हो गई। I1 और हुआ विद 0 और हमें Y पे मिल गया I। और कोई कॉम्बिनेशन देखते हैं, 1-1 देखते हैं। इनपुट कॉम्बिनेशन इज 1-1। ओके, 1-1 का मतलब ये है कि आउटपुट यानी कि वाई के ऊपर मुझे I3 मिलना चाहिए। ये 1 इस इन्वर्टर से इन्वर्ट होके 0 हो गई और एनेबल लाइन पे 0 आ गया। 0 का मतलब है कि यहां पर अब 0 आ गया क्योंकि ये ब्लॉक अब एनेबल ही नहीं है। जब एनेबल नहीं है तो आउटपुट 0 हो जाएगी। और ये 1 इस एनेबल लाइन पर पहुंचा और इस ब्लॉक को, ब्लॉक नंबर 2 को एनेबल कर दिया इसने। अब S0 को देखते हैं। S0 इज 1, 1 का मतलब है कि यहाँ भी 1 जा रहा है लेकिन फायदा कोई नहीं है, वो तो ब्लॉक है। ऊपर वाला जो मल्टीप्लेक्सर है वो तो ब्लॉक हो गया है, डिसेबल हुआ हुआ है। नीचे वाले को जब 1 मिला तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो आउटपुट नंबर 1, दिस इज 0 दिस इज 1, आउटपुट नंबर 1 है वो आउटपुट पे अपीयर हो गई, दैट इज I3। I3 और हुआ 0 के साथ तो आउटपुट हो गई I3। अब इसमें हो क्या रहा है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो चिप सेलेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, यानी कि वो ब्लॉक को सिलेक्ट कर रहा है कि कौन सा ब्लॉक एक्टिव होगा। एक वक्त में सिर्फ एक ब्लॉक एक्टिव होना चाहिए। और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, बिट या बिट्स, इसमें तो एक ही बिट है, वो विद इन द ब्लॉक सिलेक्ट कर रही है कि कौन सी इनपुट आउटपुट पर अपीयर होगी। तो आपकी जितनी भी सिलेक्ट लाइंस हैं वो डिवाइड हो जाएंगी, कुछ सेलेक्ट कर रही होंगी कि विद इन अ चिप विद इन अ ब्लॉक कौन सी इनपुट आउटपुट पे अपीयर होगी और कुछ सेलेक्ट कर रही होंगी कि कौन सा ब्लॉक एनेबल होगा। तो यहां पे 2 इनपुट्स हैं, सेलेक्ट लाइंस 2 हैं, एक सेलेक्ट कर रही है कि कौन सा ब्लॉक एक्टिव होगा और दूसरी बिट सेलेक्ट कर रही है कि विद इन अ ब्लॉक कौन सी इनपुट आउटपुट के ऊपर रिडायरेक्ट होगी। अब क्या हुआ, मैंने 2 ब्लॉक्स को जोड़ के 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बना दिया। यहां तक बताएं कोई चीज जो क्लियर सर? क्लियर है, क्लियर है। ओके, इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं। मुझे बनाना है 8x1 का मक्स यूजिंग 4x1 ब्लॉक्स। ओके,
तो कितने ब्लॉक्स चाहिए होंगे 4x1 के? सर दो चाहिए होंगे हमें, दो चाहिए। ठीक है, तो मैं दो ब्लॉक्स बता देता हूँ। जीरो वन टू थ्री एंड जीरो वन टू थ्री, एक आउटपुट एक आउटपुट। इसकी इसकी सेलेक्ट लाइन्स कितनी होंगी 4x1 की? सर तीन होंगी लाइन। दो, ठीक है, दो दो होंगी, फोर की दो होगी सर। ठीक है, दो मैंने कट करके टू लिख दिया। आप किसी भी लाइन के ऊपर कट करके इस तरह लिखते हैं तो इसका मतलब है वो उतनी लाइंस है। आउटपुट को मैंने और गेट के थ्रू ज्वाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया दोनों को, तुम्हारी आउटपुट आ गई। और इनपुट्स मैंने कनेक्ट कर दी, दिस इज इनपुट जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। ओके, 8x1 में मुझे सेलेक्ट लाइंस कितनी चाहिए? तीन, एस थ्री यानी एस टू एस वन एंड एस जीरो। अब हमने करना यह कि हर ब्लॉक की सेलेक्ट लाइन है टू, तो इन टू को कनेक्ट कर देना है विद दीज टू इसी ऑर्डर में, क्योंकि जो ये जो टू है ना, लीस्ट टू सिग्निफिकेंट बिट्स हैं सेलेक्ट लाइन की, ये विद इन अ चिप विद इन अ ब्लॉक सेलेक्ट करेंगी इनपुट को। अब एक बच गया, सर ये S2 तो फिर इनेबल करेगा ना, दोनों में से कौन सा 4x1 का मूव करेगा? इसके कॉम्बिनेशन बना ले, इसका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? S2 बार एंड S2, तो इसके दो कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। S2 के बार कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ और ये कनेक्ट हो जाएगा this. तो 8x1 इंप्लीमेंट हो गया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये जो आपने 4x1 यूज किया है, ये यही ब्लॉक हो जो 2x1 से बना हुआ है। आपने ये वाला जो 4x1 है, ये हो सकता है ये वाला ब्लॉक, ये फर्दर 2x1 से बना हुआ है। इट इज पॉसिबल जी सर। तो पहले क्या किया आपने, 2x1 से 4x1 बनाया और 4x1 को कंबाइन करके यानी कि कंकैटिनेशन से आपने 8x1 बना लिया। अब दो 8x1 के हैं, उनको ज्वाइन करके आप 16x1 बना सकते हैं एंड सो ऑन। इसमें S1 और S0 लिस्ट है, मगर वर्किंग कैसे कर देंगे बता सकते हैं जरा? वर्किंग बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, कोई भी कॉम्बिनेशन ले, से 111 111। ओके, ये जो 1 है S2 का, ये 1 यानी इसको जब 1 किया तो ये इन्वर्ट होके इधर 0 आ गया और इधर 1 आ गया। अब ब्लॉक 2 एनेबल्ड है, दिस ब्लॉक। ओके, रिमेनिंग जो टू बिट्स हैं एस जीरो और एस वन, ये भी 1-1 है। ये 1-1 जब कॉम्बिनेशन सेलेक्ट लाइन पे आएगा तो ये इनपुट कॉम्बिनेशन इनपुट लाइन 3 को एनेबल कर देगा और इनपुट लाइन 3 जो है वो आउटपुट पे आ जाएगी। यहाँ पर i7 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया, 0 और i7 इज इक्वल टू i7 और 111 इज इक्वल टू 7, तो 7 ही आना चाहिए था। जो एड्रेस देंगे आप सेलेक्ट लाइन पर, वही इनपुट लाइन आउटपुट पर अपीयर होगी। तो 111 इज इक्वल टू 7 इन डेसिमल, तो लाइन नंबर 7 आउटपुट पर अपीयर होगी।
आप कोई भी कॉम्बिनेशन दे के देखें, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन दे के देखें, आउटपुट पर वही लाइन अपीयर होगी जो कि आनी चाहिए, जिसका एड्रेस आपने प्रोवाइड किया है। समय लग गई अब, ठीक है, एक डिजाइनिंग और करेंगे। जी बोलें सर, ये वो जैसे आपने पीछे बनाया है 2 के कॉम्बिनेशन से 4 का, सर उसको इसके साथ कनेक्ट करना, उसका तो आउटपुट 1 निकलता है, तो उसको इसके साथ कैसे जॉइन करेंगे? अच्छा, ये इस ब्लॉक में, इस पूरे को अगर मैं एक ब्लॉक कंसीडर करूं तो कितनी सेलेक्ट लाइंस हैं? 2 और 2 4 इनपुट्स हैं, तो ये देखें 4 इनपुट्स हैं और 2 सेलेक्ट लाइंस हैं। इस पूरे को अगर मैं एक ब्लॉक बना लूं जी, तो 2 सेलेक्ट लाइंस है ना, S0 S1 जी, और वो सेलेक्ट लाइंस ये 2 हैं जी, ये वाली, ये जिसको मैं कट कर रहा हूं, ठीक है। अब हम एक कॉम्बिनेशन इसका और करेंगे। अब हमने बनाना है 8x1 का ही मक्स, बट यूजिंग 2x1 ब्लॉक्स दिस टाइम। मुझे बनाना 8x1 का है, लेकिन ब्लॉक यूज करने हैं 2x1 के। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने लगेंगे? 4 बनेंगे ब्लॉक। एट कनेक्शन बने तो 4 लगेंगे ना। ओके, हर ब्लॉक की सेलेक्ट लाइन कितने बिट की होगी? फिर 1 होगी। 1 बिट की, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। और आउटपुट भी एक है सबकी, तो आउटपुट को तो मैं और कर दूंगा, सब की आउटपुट को और कर दूं। दो बार ये बाय आ गया। अब सबकी एक इनेबल लाइन है। काइंडली क्वेश्चन नहीं है तो माइक को म्यूट रखें। इनेबल 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 लाइन एंड इतर लाइन। ओके, अब मुझे बताएं 8x1 की सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी? 3 होंगी। 3 होंगी, कौन कौन सी? S1, S, S0, S2. S0, S1, S2. अच्छा, हर ब्लॉक की सेलेक्ट लाइन किसी भी एक ब्लॉक के देख लेते हैं, किसी भी ब्लॉक को देखो तो उसकी सेलेक्ट लाइंस कितनी है? 1. तो मैंने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है सेलेक्ट लाइंस की, वो सबके साथ कनेक्ट कर देनी है। ये जो S0 है इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तमाम एक्सिस की सेलेक्ट लाइन के साथ। लास्ट स्लाइड में भी हमने यही काम किया था। कनेक्ट हो गया सबके साथ, ये सिंगल बिट है 1। अब रिमेनिंग 2 जो है S1 और S2, इसके कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं? 00 01 10 एंड 11। हर कॉम्बिनेशन एक ब्लॉक को एनेबल करेगा, यानी कि हर कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट अगर मैं सर्किट बनाऊं तो वो सर्किट एक ब्लॉक को एनेबल करेगा। मैं बना लेता हूं S1 के लिए। और S2 के लिए जी, पहला कॉम्बिनेशन क्या है? S2 बार S1 बार, S2 बार S1 बार एंड S2 बार। सेकंड कॉम्बिनेशन इज
एस टू बार एस वन एस टू बार एस वन थर्ड कॉम्बिनेशन इज एस टू एस वन एस टू एस वन थर्ड कॉम्बिनेशन एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन एस वन बार एस टू एस वन बार एस वन बार ओके फर्स्ट कॉम्बिनेशन फर्स्ट ब्लॉक के साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि वो इसको इनेबल करेगा जब जीरो जीरो होगा सेकंड कॉम्बिनेशन सेकंड के साथ मैं यहाँ पे इनेबल को शिफ्ट कर देता हूँ फ्रॉम हियर इसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी और तो कुछ नहीं ओके और फोर्थ कॉम्बिनेशन जो है वो फोर्थ ब्लॉक को इनेबल करेगा मींस के जब एस वन और एस टू के कॉम्बिनेशन होंगे जीरो जीरो तो पहला ब्लॉक इनेबल हो जाएगा जीरो वन पे दूसरा वन जीरो पे तीसरा और वन वन पे चौथा एक वक्त में एक ब्लॉक इनेबल होगा दो नहीं होंगे अब आप इसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करके मैं एक चेक करवा देता हूं कि आप 111 प्रोवाइड करें 111 इज इक्वल टू 7 इसका मतलब है लाइन नंबर 7 जो है वो आउटपुट पे अपीयर होनी चाहिए देख लेते हैं ओके 11 कॉम्बिनेशन 11 जब इनपुट दूंगा एस वन और एस टू पे तो तमाम एंड गेट्स की आउटपुट जीरो हो जाएगी सिवाय लास्ट वन के क्योंकि यहां पर वन आया वन वन एंड वन इज वन तो जो फोर्थ ब्लॉक है ये इनेबल हो जाएगा बाकी सब डिसेबल हो जाएंगे डिसेबल होने का मतलब है कि इनकी आउटपुट के ऊपर जीरो आ जाएगा अब जो सेलेक्ट लाइन एस जीरो है वो सबके साथ कनेक्टेड है वो इंटरनली सिलेक्ट करेगी कि कौन सी इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्ट होगी तो हर ब्लॉक की अपनी इनपुट्स हैं जीरो एंड वन जीरो वन जीरो वन एंड जीरो वन तो एस जीरो इज वन जिसकी वजह से इनपुट नंबर वन आउटपुट पर रिडायरेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा आई सेवन क्योंकि आई सेवन कनेक्ट हुआ था इनपुट नंबर वन के साथ तो जीरो और जीरो और जीरो और आई सेवन इज इक्वल टू आई सेवन आउटपुट के ऊपर हमें आई सेवन मिल गया अब जो भी एड्रेस देंगे यहाँ पर वो वाली इनपुट आउटपुट पर अपीयर हो जाएगी इसको आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं तमाम कॉम्बिनेशन देखकर सर ये लास्ट वाला एंड गेट जो लगाया हुआ है इसकी तो वैल्यू 01 बनती और 10 बनती है अब 11 देके देखें तो 1 एक्चुअली दिस इज 11 यहाँ पे कनेक्टेड है मैं दोबारा देख लेता हूँ बार एस टू बार एस वन बार एस वन एस टू एस टू बार एस वन एस टू ये भी गलत अटैच हुआ हुआ है एस टू एस वन बार है ये होना चाहिए S2 bar S1 ये होना चाहिए S2 S1 bar and this is S2 S1 अब देख लें कनेक्शन ठीक है ब्लॉक के अंदर कोई सिग्नल है जैसे एनेबल सिग्नल है ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है ये ऐसे भी हो सकता है इन दोनों का क्या मतलब है जीरो और वन ओके एनेबल के ऊपर बार नहीं है इसका मतलब है दिस इज एक्टिव हाई सिग्नल दिस इज एक्टिव हाई सिग्नल एक्टिव हाई का मतलब है जब मैं इसे वन सिग्नल भेजूंगा ना हाई भेजूंगा वन तो तब ये एनेबल होगा और अगर एनेबल के ऊपर बार है तो इसका मतलब है दिस इज एक्टिव लो सिग्नल
इनपुट सिग्नल तो है, इनपुट आउटपुट होना अलग बात है, लेकिन ये एक्टिव लो है, इसका मतलब है कि जब मैं जीरो भेजूंगा तो तब ये एनेबल होगा और वन दूंगा तो डिसेबल होगा। आप डेटा शीट देखते हैं, आपके पास ये ब्लॉक्स किस फॉर्म में होंगे, आईसी की फॉर्म में, मल्टी टू क्रॉस वन जो मक्स है ये आपको आईसी की फॉर्म में मिलेगा। आप लैब में जाएं या मार्केट में जाएं तो आपको ये आईसी की फॉर्म में मिलेगा। अब आईसी की कौन सी पिन क्या है उसके ऊपर नहीं मेंशन्ड होती, उसके लिए आपको उसका जो आईसी का नंबर है वो गूगल करना होगा। आपको डाटा शीट डाउनलोड होगी, डाटा शीट ओपन करेंगे उसके ऊपर उसकी सारी स्पेक्स लिखी होंगी, कि तस्वीर बनी होगी उसमें लिखा होगा कि ये पिन नंबर वन है, ये टू है, थ्री फोर एंड सो ऑन, इस पिन पे इनपुट है, इस पे ये है। तो अगर इस तरह लिखा होता है कि या तो ये एनेबल है या एनेबल बार है, तो आप कैसे समझेंगे कि दोनों में फर्क क्या है? एनेबल मीन्स एक्टिव हाई, वन करेंगे तो एनेबल होगा, इसका मतलब है वन पे एनेबल है और जीरो पे डिसेबल है, इसका ये मतलब है। और इसका मतलब है, इसके ऊपर बार है ना, तो इसका मतलब है कि जीरो पे एनेबल है और वन पे डिसेबल है। तो दिस इज एक्टिव हाई सिग्नल। एंड दिस इज एक्टिव लो सिग्नल। इसी तरह आउटपुट जो है आउट, वो बार भी हो सकती है, विदाउट बार भी हो सकता है। अगर आउट के ऊपर बार है तो इसका मतलब है कि आउटपुट इन्वर्ट होके मिल रही है आपको, आउटपुट पे इन्वर्टर लगा हुआ है, इसका ये मतलब है। ये समझ आया सिग्नल? लग गई है, लग गई। जी सर। ओके, मैं लैब इंस्ट्रक्टर को कहूंगा कि एक दफा आपको ना डाटा शीट ओपन करके दिखाएं, आपको डाटा शीट पढ़ना सिखाएं आईसी की। अच्छा, इस चीज को इस तरह भी हो सकता है कि ये एनेबल के ऊपर बार है, इसको ऐसे भी मेंशन किया हुआ है बाद जगह पे कि लिखा तो एक्टिव हाई सिग्नल ही है, एनेबल भी लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले इस तरह के बबल लगा दिया गया, इसका मतलब ये इन्वर्टर का है। साइन। हाँ, इससे पहले ना इन्वर्टर लगा दिया गया, इसका मतलब भी यही है कि ये सिग्नल एक्टिव लो है। अगर आपने मैचिंग करनी है, से ये एक्टिव लो है लेकिन आपके पास जो एक्टिव सिग्नल आ रहा है वो हाई है, आपके पास एक्टिव हाई सिग्नल आ रहा है और ये जो कंट्रोलर या ये जो आईसी है ये एक्टिव लो एक्सेप्ट करता है, तो फिर इन दोनों के दरमियान जो मैचिंग करवाएंगे वो थ्रू इन्वर्टर करवाएंगे। आप एक इन्वर्टर लगा देंगे तो ये दो मैचिंग हो जाएंगी दोनों की। मीन्स कि आपने एक्टिव हाई सिग्नल देना है, आईसी ने एक्टिव लो रिसीव करना है, तो मैचिंग कैसे करें? इन्वर्टर लगा के उसे कन्वर्ट इन्वर्टर करके दे लगा, देगा। हाँ इन्वर्टर लगा दें तो वो मैच हो जाएगा, तो इन्वर्टर कन्वर्ट कर देगा आपके एक्टिव हाई को एक्टिव लो में, ताकि आईसी और आप दोनों मैच हो जाएं। फिर आउटपुट को भी ऐसे ही हो सकता है ना। हाँ, आउटपुट पे भी ऐसे हो सकता है, आपको एक्टिव लो चाहिए आप इन्वर्टर लगा दें आउटपुट पे, या आपको एक्टिव हाई चाहिए और वो जो आईसी है वो एक्टिव लो दे रहा है तो आप इन्वर्टर लगा लें आउटपुट पे। बास जो होते हैं ऐसे भी आईसी होते हैं जो आपको दोनों दे रहे होते हैं आउट, एक्टिव हाई और एक्टिव लो दोनों दे रहे हैं। आपको अगर एक्टिव लो चाहिए तो एक पिन से ले लें, एक्टिव हाई चाहिए दूसरी से ले लें, यानी एक पिन एक्टिव लो दे रही है, एक पिन एक्टिव हाई आउटपुट दे रही है। आपको जहां से आउटपुट चाहिए वहां से ले लें। तो समय लग गई है अब। ठीक है, एक्चुअली आपने ना सर्किट, इस कोर्स का मकसद यह है कि आपने ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने सीखने हैं, जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं ना बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच, कि ये रिक्वायरमेंट है उसकी, फिर हम क्या करते हैं ट्रू टेबल बनाते हैं, फिर उसे के मैप ले जाते हैं, सॉल्व करते हैं, मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ जाती है, फिर उसका सर्किट बनाते हैं, फिर उन ब्लॉक्स को जोड़ के बड़े सर्किट्स बनाते हैं। अगर ये आपने सीख लिया तो फिर आप किसी किस्म का डिजिटल सिस्टम आ जाए आप बना लेंगे।
मगर मसला ये हमारे तो लैब अब ऑनलाइन हो रही है, हम खाली बस वो तो कोरोना की वजह से हो रही है ना, तो उसका तरीका ये है कि आप सर्किट मेकर में गेट लेवल स्कीमेटिक की बजाय आईसी यूज करें, गेट लेवल स्कीमेटिक यूज ना करें। अच्छा, इवन आप गेट लेवल स्कीमेटिक भी यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपस में वायर से कनेक्ट कर लें, इनपुट दें, आउटपुट मिल जाती है, दैट्स फाइन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही काम आपने ब्रेडबोर्ड पे जाकर करना है, आईसीस प्लेस करने और आपस में कनेक्ट कर देना है। डिजाइनिंग तो एक्चुअली आपने पेपर पे ही करनी है। हाँ, उसकी जो टेस्टिंग है वो आप कर सकते हैं, सिमुलेशन भी कर सकते हैं, सिमुलेट भी कर सकते हैं सर्किट को, या उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करके भी देख सकते हैं। एक सिस्टम वन है, अगर पहली एग्जांपल समझ नहीं आई, सिस्टम टू है और एक सिस्टम थ्री है। सिस्टम थ्री को कभी सिस्टम वन से इनपुट चाहिए, कभी टू से चाहिए। अब क्या करें, इनपुट एक ही है, हर सिस्टम की एक ही इनपुट होती है, क्या करें? मक्स लगा देंगे सर जी, लगा देंगे फिर दोनों। अब कोई और चीज नहीं लग सकती सिवाय मक्स के, तो यहाँ पर आपको मक्स लगाना है, तो और कुछ नहीं लग सकता। 0 1 और ये सिलेक्ट लाइन है, सिलेक्ट लाइन भी हम इसी के इख्तियार में दे देते हैं कि ये अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर ले, अगर ये कर सकता है, अगर ये नहीं कर सकता तो कोई ना कोई यूनिट होगा जो कि कंट्रोल कर रहा होगा सिलेक्ट लाइन को और इसको आउटपुट मिलकर। इस ट्रू टेबल की वेवफॉर्म्स ड्रा करनी है स्टेटमेंट आपने। तो आपकी इनपुट्स क्या है, ए एंड बी, और आउटपुट है सी। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये है कि आप इसकी कॉम्बिनेशन बना लें, 0 0 है, फिर 1 हो जाता है, फिर ए 0 हो गया, फिर 1 हो गया, और बी जो है वो 0 है, फिर 1 है। ओके, अब आउटपुट सी को देखें। सी जब ये दोनों 0 हैं तो आउटपुट 1 है, उसके बाद जब बी 0 हो जाता है और ए 1 है तो आउटपुट क्या हो गई, 0। ये ट्रुथ टेबल को देख रहा हूँ मैं, देखें 0 1 पे आउटपुट 0 हो जाती है और 1 0 पे आउटपुट सी की पे 1 आ गई और 1 1 पे 0 हो गई, तो 1 1 पे ये 0 हो गई। तो इसी ट्रुथ टेबल की इनपुट्स और आउटपुट्स को मैंने वेवफॉर्म्स की में रिप्रेजेंट कर दिया। रिपीट कर सकते हैं जरा सी के लिए? देखें, इस टेबल को देखना है आपने, टेबल जैसे बना हुआ ना वैसे वेवफॉर्म बनानी है, ठीक है? और ये मैं एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूं, ए 0 है, बी 0 है, ए बी 0 है, दिस इज लेवल 0 1 0 एंड 1 0 एंड 1, ए भी 0 है, बी भी 0 है, इसका मतलब, और आउटपुट पे सी 1 है, तो सी को मैंने 1 कर दिया। और कब तक सी 1 है, जब तक ए और बी 0 0 है। जैसे ही चेंज होती है इनपुट, ए 1 हो जाता है और बी 0 रहता है, तो ये देखें ए 0 बी 1 हो गया, नहीं उलट है ये, चलिए इसमें 1 ही आना था, सीधी लाइन जानी थी 1 की सी। एक्चुअली मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, बी मोर सिग्निफिकेंट बिट है, बनी हुई है, इसलिए रैंक यहाँ देखिए, ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी 1 आया ट्रू टेबल के मुताबिक, फाइन, ओके। उसके बाद बी 0 है और ए 1 है, बी 0 है और ए 1 है, आउटपुट पे क्या है, 0, सी 0 हो गया। और कब तक 0 रहा, जब तक इनपुट चेंज नहीं होती, इनपुट चेंज हुई, अब आउटपुट ने भी चेंज होना है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रू टेबल, बी 1 हो गया और ए 0 हो गया, तो सी ने क्या होना है, 1, तो सी भी चेंज हो गया, 1 हो गया,
अब ये कब तक सी वन रहेगा, जब तक इनपुट चेंज नहीं होती। इनपुट चेंज हुई, ए और बी दोनों वन वन हो गए और सी जीरो हो गया, ये सी जीरो। अब आपको डेटा शीट्स के अंदर जितने भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर ट्रुथ टेबल नहीं गिवन होता, बल्कि ये टाइमिंग डायग्राम गिवन होती है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसमें टाइम भी आ रहा है, से यहाँ पे स्केल बना हुआ है टाइम स्केल, यहाँ पे नैनो सेकेंड में टाइम आ रहा होगा कि 5 नैनो सेकेंड, 10, 15 एंड सो ऑन। तो इससे आपको पता भी चल जाएगा, ओके आपने इनपुट दी तो आउटपुट फौरन नहीं आई, बल्कि कुछ टाइम डिले के बाद आई। यानी कि आपने अगर 10 नैनो सेकंड पे अगर इनपुट आपने दी है तो आपको एक्चुअली 10 पे नहीं मिलनी है आउटपुट, आउटपुट आपको थोड़ी सी डिले होके मिलनी है, 12 पे मिलनी है। तो ये जो टाइम है दिस इज द प्रोपोगेशन डिले। तो जो वेव फॉर्म होती है वो बहुत कुछ बता रही होती है, जस्ट ट्रुथ टेबल नहीं होता। ट्रुथ टेबल में बहुत सी चीज़ें मिसिंग है, ट्रुथ टेबल में टाइम नहीं मिसिंग कि आपने इनपुट किस टाइम पे दी, आउटपुट किस टाइम पर मिली आपको। तो इसलिए वेव फॉर्म्स शो की जाती हैं, वेव फॉर्म्स को पढ़ के आपको सब कुछ पता चल जाता है कि ओके मैंने इनपुट दी 10 नैनो सेकेंड पर और आउटपुट मुझे मिली 12 नैनो सेकेंड तक। तो 10 से 12 तक जो सर्किट था वो ट्रांजिशन में था एंड सो ऑन। तो इसलिए किसी भी सर्किट की क्या, सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम ये भी कर सकते हैं कि वेव फॉर्म को देख के टेबल बना सकते हैं उसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली आपने वेव फॉर्म को समझना होता है कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में आपको ट्रुथ टेबल ठीक है दिया जाता है, वो वहां पर मकसद सिर्फ होगा कि इनपुट्स और आउटपुट्स बताना, लेकिन वेव फॉर्म और भी बहुत कुछ कन्वे करता है। तो नॉर्मली जितने भी हमारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं, डेटा शीट्स हैं, वहाँ पर वेव फॉर्म शो की जाती हैं। तो आपको वेव फॉर्म पढ़नी आनी चाहिए और समझनी आनी चाहिए। तो वेव फॉर्म में बताया गया होगा कि इनपुट क्या थी और किस टाइम पे दी गई, और सर्किट की आउटपुट क्या आई और किस टाइम पर जनरेट हुई। तो ये टाइमिंग इंफॉर्मेशन भी होती है वेव फॉर्म्स में। अगर से आउटपुट फाइनल तो वन है, लेकिन वन तक पहुंचने के लिए 2-3 दफा टॉगल हुई है आउटपुट, यानी कि पहले 0 से 1 हुई, फिर 1 से 0 हुई, फिर 1 हुई, फिर 0 होके फिर 1 हुई है फाइनल। तो इतनी ज्यादा ये जो ट्रांजिशंस आई हैं ये आपको ट्रुथ टेबल तो नहीं बताएगा, ट्रुथ टेबल तो आपको फाइनल आउटपुट बताएगा। तो ये ट्रांजिशंस कहाँ से पता चलेंगी, ये ट्रांजिशंस आपको वेव फॉर्म से पता चलेंगी। तो किसी भी सिस्टम की इनपुट्स और आउटपुट्स और टाइमिंग को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो वेव फॉर्म्स में किया जाता है।